बिहार के जो है वो एक टीचर है खान सर, बड़े पॉपुलर टीचर है। मतलब मैंने खान सर का जो है, आपको बता दूं मैं खान सर का मैंने एक वीडियो, मैं जनरली यूट्यूब पे कुछ ज्यादा देखता नहीं हूँ, आपको बता दूं मैं के यूट्यूब पर मैं क्या देखता हूँ कि मेरे चैनल में कौन सा वीडियो कब रिलीज हुआ। ठीक है, ठीक, कोई स्पेसिफिक मेरा वीडियो हो उस पर एक बार स्क्रॉल डाउन करके कमेंट देख लेता हूँ। बाकी यूट्यूब पर आपको लगता हो गीतन सर दिन भर यूट्यूब बैठ के देखते होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरा 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 काम है यूट्यूब को फीड दे देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे आता हूँ, अपना रिकॉर्ड करता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद उसमें हाँ भाई ये अपलोड हो गया, प्रॉपर अपलोड हो गया। ठीक है, कोई स्पेसिफिक कमेंट तो नहीं है, कोई किसी को कोई इश्यू तो नहीं है इस पर, वो एक बार देख लेते हैं। अदरवाइज इसके अलावा दूसरा कोई यूट्यूब चैनल में देखता ही नहीं। तो आज के 3 वीक पहले मैंने जो है खान सर का एक वीडियो मैंने देखा था, जिसमें वो इसराइल और फिलिस्तीन की कंपेरिजन को बता रहे थे कि क्या इसराइल और फिलिस्तीन का मैटर क्या है। 2 वीक या 3 वीक पहले की बात होगी है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, खान सर मुझसे छोटे हैं उम्र में, तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से जो है वो इसराइल और फिलिस्तीन के पूरे इशू को एक्सप्लेन किया कि मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब मैं है ना कुछ एक समय में है ना जब मेरा मेंस का एग्जाम होने वाला था उसके ठीक पहले मैं ना एक जगह पे कुछ दिनों के लिए क्लासेस चलती थी यहाँ पे, जिसको बोल सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स था। तो एक वहां के बड़े भारी प्रोफेसर हैं के सिद्धार्थ, ज्योग्राफी के लीजेंड है वो, उनके यहां मैं गया। तो वहां पे जो है कुछ जीएस की क्लासेस भी उन्होंने अरेंज की उसमें इस तरह के मुद्दे। तो उस समय पता नहीं उस समय भी कोई विवाद था इस तरह का, ये बात है 2005 या 2006 की बात है, तो कुछ विवाद चल रहा होगा। तो उस समय उन्होंने इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए किसी डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया। और आपको बता दूं मैं कि उन्होंने जैसे एक्सप्लेन किया तो ऐसा लगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो है ना। ठीक है, लेकिन खान सर ने जिस सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया वो तरीका ऐसा था कि इसमें कि पूरी बात समझ में कि एक्चुअली में हुआ क्या। और ये और खान सर ने जब एक्सप्लेन किया ना तो उन्होंने ना इसराइल का पक्ष लिया उन्होंने, ना फिलिस्तीन का पक्ष लिया उन्होंने, उन्होंने एक न्यूट्रल वे में पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। तब से मैं खान सर का फैन हो गया कि यार ये बंदा जो है ये जीएस का जो है वो हीरा है, डायमंड है। अभी हाल ही में उनके नाम पर कंट्रोवर्सी शुरू हुआ कि भाई खान साहब का रिलीजन कुछ और है। अरे मैं कहता हूं जो गुरु का धर्म देखेगा ना गुरु की जात देखेगा, जो गुरु का धर्म देखेगा गुरु की कास्ट देखेगा गुरु का जेंडर देखेगा वो विद्यार्थी जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच सकता है। मैं इतना मानता हूं कि जो खान सर के फॉलोअर बच्चे होंगे जो बच्चे देख रहे होंगे उनको, उन बच्चों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में कि वो खान सर है। अरे वो हिंदुस्तानी है भाई, वो इंडियन है, वो ऐसा इंडियन है जिसके वीडियो को पूरे आसपास की कंट्री के लोग भी देखते हैं, ऐसा इंडियन है जिसको जो है लोग पाकिस्तान के अंदर भी जो है नेपाल के अंदर भी बांग्लादेश के अंदर भी श्रीलंका के अंदर कहीं जहां जहां भी लोग समझ सकते हैं उनकी भाषा को वहां वहां लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति जो है उनको टारगेट कर रहा है, मतलब गुरु को टारगेट कर रहा है, और तो मतलब ये गलत है। क्योंकि याद रखना है जिस देश में गुरु का सम्मान नहीं होगा शिक्षक का सम्मान नहीं होगा ना उस देश की शिक्षा में अवरोध आएंगे, उस देश में तरक्की नहीं हो पाएगी। तरक्की का पहला सीढ़ी है सही शिक्षा को प्राप्त करना। खान सर एक प्रकार से जो है वो समझ लीजिए दीपक है, और एक तरीके से जो है वो उजियारा फैलाने वाले दीपक है। तो ऐसे दीपक पर प्रश्न उठाना ये दीपक का जो है उसका धर्म क्या है, इस व्यक्ति का धर्म क्या है, ये व्यक्ति क्या है, इसकी असलियत क्या है, अरे क्या मतलब हमको क्या असलियत, हमें नहीं मतलब पढ़ना। हमें तो इतना पता है कि यदि खान सर जो है वो किसी भी धर्म के होते और ये व्यक्ति वही होते तो उनका खून रक्त लाल होता, उनका उनके वह नाक नाक की जगह पर होती, आंख आंख की जगह पर होती, वैसे ही इंसान होते और ऐसे ही पढ़ा रहे होते। हमें कोई मतलब नहीं कि खान सर क्या है, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। हमें मतलब यह है कि खान सर करते क्या है, खान सर से कितने लोग प्रभावित होते हैं, खान सर कितना इन्फ्लुएंशियल पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, हमें उससे मतलब है। हमें इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि क्या कंट्रोवर्सी, लोगों को तो कुछ भी कंट्रोवर्सी है। मैंने देखा अभी हाल ही में मेरे भी कुछ वीडियो को लोगों ने क्लिप किया और कंट्रोवर्शियल जो है वो थंबनेल बना दिए उसमें, ठीक है, और उन्होंने जो है जो भी किया। मैं उसको ये बोलूंगा कि बेटा दीज आर दी वेरी चीप ट्रिक्स। बहुत मुझे भी लोग कहते हैं कि सर आपके थंबनेल आप एकदम ऐसे बनाओ आपकी मतलब कि देखते आदमी घुस जाए वीडियो में के अंदर। अरे मुझे नहीं करना ऐसा, जो जिस दिन कोई एक व्यक्ति एक वीडियो देखेगा उसके अंदर से लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे से कुछ सीखने लायक है तो आएगा वो, उसे क्या रखा है, मतलब मैं अननेसेसरी की एक हाइप क्रिएट कर दूं, अननेसेसरी के दो लोगों को भिड़ा दूं इसका कोई मतलब नहीं है, तो आपको क्या लगता है वो दो लोग संपर्क में हो सकते हैं मेरे, वो आपने गलत कंक्लूजन निकाला हो सकता है। मैं इतना ही बोलूंगा कि शिक्षक जो है ना
उसका सिर्फ एक धर्म होता है, वो होता है शिक्षा प्रदान करना। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है, वो यहूदी हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन का वो व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये धर्म जात पात के मुद्दे से ऊपर उठना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ जानकर कि कोई व्यक्ति जो है एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो खान सर के ऊपर वीडियो बनाए इसलिए जा रहे हैं, और खान सर जो है वो उनको बेचारे को सफाई दे रहे हैं, सामने आना पड़ा बोलने के लिए नहीं भी ऐसा नहीं, ये गलत है, ये चीज ऐसा था, हंसी मजाक में हमने कभी कहा था। तो यदि सामने वाले व्यक्ति को आप, तो वो चले जाएंगे यूट्यूब से, जा रहे हैं धीमे धीमे, अभी आप गौर करेंगे तो यूट्यूब से जो बड़े एजुकेटर है ना वो धीमे धीमे किनारा कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी इतनी हो रही है, क्योंकि हो ये रहा है कि लोग यहां पर जो है वो आए थे यहाँ पे लोगों के लिए कुछ फायदा करने के लिए, लोगों को लगता है कि एक यूट्यूबर पता नहीं भगवान जाने कितना भारी कमा लेते होंगे ये लोग की जिंदगी, नहीं ऐसा है ही नहीं है। जितना एफर्ट वो डालते हैं, जितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनका होता है उसकी तुलना में उनको खुद मिलता है, उनको जो मिलता है वो मिलता है मन का संतोष कि इतने लोग मुझसे जुड़े। मैं सुबह सुबह आके रिकॉर्ड करता हूं, मुझे लगता है कि यार कुछ हजार बच्चे ऐसे जो देखते हैं, जिनको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, जो मेरा इंतजार करते हैं, तो एक अनजानी डोर बंद जाती है, और उस अनजाने डोर के वायदे को निभाने के लिए यूट्यूबर भी आता है, जो टीचर है वो भी आता है, और जो देखने वाला बच्चा वो भी आता है कि भाई हमको कुछ मिलेगा आज, और टीचर वहां आके देगा कुछ, ठीक है। तो वो जो अनजाने डोर है ना उसको कई लोग जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, धीमे धीमे माहौल ऐसा होगा कि एक समय ऐसा होगा कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गंदगी रह जाएगी। इसलिए अच्छे टीचर जो है उनका सम्मान कीजिए। मैं कहता हूं आपसे कि जो खान सर जैसे जो लोग हैं ना वो देश के हीरा हैं, वो मतलब ये वो लोग हैं जिनको पद्म विभूषण इस तरह की उपाधियां मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उन बच्चों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए ये जी, आप बताइए, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति उनको फॉलो करता है तो वो स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में कम से कम जीएस वाले हिस्से में बढ़िया करके आएगा। तो जहां तक रिलीजन की बात है तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं इस बात से कि खान सर का धर्म क्या है और उस पर किसी को चर्चा करना चाहिए। धर्म जो है निजी मुद्दा होता है, धारण करने योग्य को धर्म कहते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर होता है, उनका पर्सनल मैटर है। यदि मैं डॉक्टर गीतेंद्र ना होके इंसाफुद्दीन होता, मेरा दोस्त इंसाफुद्दीन, यदि मैं होता, बदल गए होते किरदार हमारे, तो क्या मैं कुछ कमतर होता? मेरा एक दोस्त है डेविड, यदि मैं डेविड होता तो क्या मैं वो कुछ कमतर होता? मैं तो नहीं मानता। मेरा दोस्त है अमनदीप जो आईपीएस है, यदि वो मेरी जगह पर होता और मैं उसकी जगह पर होता तो कुछ कमतर होता क्या? नहीं होता। बात इतनी सी है कि ये सब नाम है बेटा, ये सब समाज ने, लेकिन असली चीज तो आदमी के अंदर है। अरे वही ने कहा ना कि वही एक डायमंड है, कोई मुकुट में लगा हुआ है, कहीं अंगूठी में लगा है, कहीं लॉकेट में लगा हुआ है, कोई कहीं लगा है, कोई कहीं किसी ने ऐसी लगा ले टाई पिन पे लगा ले डायमंड को, डायमंड तो डायमंड रहेगा, वो कहीं भी लगाओ उसका मूल्य डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें ये इन मुद्दों से जो है वो दूर रहना चाहिए। अब ये जो मुद्दा मेरे को किसी ने सजेस्ट भी किया कि सर खान सर का कंट्रोवर्सी हुआ, तो मैं तो कभी ध्यान भी नहीं दिया चीज को, फिर मैं वो लिंक खोल के देखा कि अरे भाई कुछ तो कंट्रोवर्सी हुआ है, और मुझे मन में अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो देश है ना वो जिस दिशा में हम जा रहे हैं ना, जहां पे हम चीजों को लेके जा रहे हैं वो एकदम गलत दिशा है, क्योंकि वो दिशा जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ते पर पहुंचती है, वो है विनाश। वहां हमको नहीं जाना, हमको समझना है कि देश को अच्छे शिक्षक, अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे डॉक्टर्स की आवश्यकता है, और उनको हमें जो है हमेशा मोटिवेट करना है।